आज इमरोज जी का जन्मदिन है। आज उन्हीं की किताब जश्न जारी है से उनकी ही लिखी कुछ रचनाएं। यह किताब उन्होंने मुझे अपने हाथों से साइन करके दी थी, इसलिए यह किताब मुझे अत्यंत प्रिय है। अमृता, कभी कभी खूबसूरत ख्याल खूबसूरत बदन भी इख्तियार कर लेते हैं। कितना सही कहा है। अपने लिए वो लिखते हैं, इमरोज, मैं एक लोकगीत बेनाम हवा में खड़ा, हवा का हिस्सा जिसे अच्छा लगूं वह अपनी याद बना ले, जिसे और अच्छा लगे वह अपना बना ले, जिसके जी में आए वह गा भी ले। मैं एक लोकगीत सिर्फ लोकगीत जिसे किसी नाम की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, जिसे किसी भी नाम की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। एक उनकी और पोएम है इसमें जो मुझे बहुत पसंद है, तीन दिन। हम अपने आप के साथ मस्त चल रहे थे, ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था, जहां मुझे अपनी मर्जी का काम मिल रहा था। जाने में अभी तीन दिन थे और तूने कहा था ये तीन दिन मेरे सारे के सारे। मौसम पीले फूलों का था, सड़कें बाग बगीचे फूलों से, फूलों की महक से छलक रहे थे। जी चाहता है फूलों की तरह चुपचाप खिल जाऊं, जी चाहता है फूलों की तरह चुपचाप खिल जाऊं और खुशबू की तरह धीरे धीरे हवा में गुम हो जाऊं। जब किसी का घर से बाहर ध्यान लग जाता है, जब किसी का घर से बाहर ध्यान लग जाता है तो उसके घर का ध्यान टूट जाता है। एक बार एक सपने ने जिंदगी से पूछा, एक बार एक सपने ने जिंदगी से पूछा, तू कब तक कविता लिखती रहेगी? जिंदगी ने कहा, जब तक तब तक हर जिंदगी आप ही कविता ना बन जाए। ये इमरोज की कुछ खूबसूरत रचनाएं हैं जो उनकी किताब जश्न जारी में से ली गई हैं। एक लास्ट कविता उन्हीं के शब्दों में, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी का उन्होंने जवाब देते हुए अमृता को कहा था, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी इस 2002 में लिखी कविता के साथ अमृता के लेखन की उम्र पूर्ण हो गई। कल तक 84 बरसों से ख्यालों के दरिया में अपनी किश्ती के पलंग पर बैठी, कविता लिखती कविता जीती, वह जिंदगी के पंच दरियाओं को पल पल पार करती रही और आजकल वह अपने पलंग पर सोती जागती, श्वासों के पानियों में डोल रही, सिर्फ डोल रही। ये इमरोज ही थे जिन्होंने अमृता को दिल से चाहा, प्यार किया।